एमपी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एनसीपी के चीफ शरद पवार और अजीत पवार पर मामला दर्ज। यूपी में युवक की दर्दनाक तरीके से शिवसेना का बीजेपी पर प्रहार। नंद को भाजपा से हटाया, यूपी प्रवक्ता का दावा। अब खबरें विस्तार से। शिखर बैंक मामले में ईडी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के चीफ शरद पवार और अजीत पवार पर मामला दर्ज किया गया है। इसे लेकर शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान शरद पवार ने कहा कि एमएससी बैंक मामले में मेरा ईसीआईआर में दर्ज किया गया है। कहा कि मैं एजेंसियों की जांच में सहयोग करूंगा। शुक्रवार को खुद प्रवर्तन निदेशालय ईडी के सामने पेश होऊंगा। साथ ही अजीत पवार, आनंद राव, जयंत पाटिल के खिलाफ मामले ईसीआईआर में दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद अपराधों पर अंकुश लगाने के दावे खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। इसकी पुष्टि हाल ही में मेरठ में विभत्स रूप से की गई हत्या, हापुड़ में रहने वाले 21 वर्षीय एक युवक की शत विशत लाश मिलने से सनसनी का माहौल बना हुआ है। पुलिस का कहना है कि मृतक मुकुल कुमार के गले में रस्सी बांध कर बेरहमी से उसे 15 किलोमीटर तक घसीटा गया। बेरहमी से शव के साथ व्यवहार किया गया, यहाँ तक कि उसका पैर तक गायब हो चुका था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। शिवसेना का बीजेपी पर प्रहार। पुलवामा बिना कैसे जाते हैं 300 पार। बालाकोट में आतंकवादियों के ठिकाने फिर से सक्रिय हो गए हैं। इस आशय की जानकारी सेना प्रमुख बिपिन रावत ने दी है। इस पर शिवसेना ने भाजपा से तीखा सवाल पूछा है कि पुलवामा के नष्ट कर दिए गए कैंपों में पूर्ण आतंकवादी कैसे पनप रहे हैं और सरकार इस पर स्पष्टीकरण दे। चिन्मयानंद की भाजपा से हटाया, यूपी प्रवक्ता का दावा। लखनऊ कानून की एक छात्रा द्वारा रेप और ब्लैकमेल का आरोप लगाए जाने के बाद पिछले सप्ताह गिरफ्तार किए गए पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद अब भाजपा के सदस्य नहीं है। यह दावा उत्तर प्रदेश में पार्टी के प्रवक्ता ने किया है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज लाइव। धन्यवाद।